आता बातमी एल्गार परिषदेसंदर्भातली. पुण्यात एल्गार परिषदेत शर्जिल उस्मानियांच्या विधानावरती आता भाजपनं आक्षेप घेतलाय. शर्जिल उस्मानींनी वादग्रस्त विधान केल्याचा भाजपनं आरोप केलाय. भारतात हिंदू समाज वाईट पद्धतीनं सडला आहे या वक्तव्यावरती आक्षेप घेण्यात आलाय. लिंचिंग करणारे तुमच्या आमच्या सारखे सामान्य लोक आहेत असं वक्तव्य शर्जिल उस्मानी यांनी केलं होतं. त्यानंतर ते एरवी सर्वसामान्य लोकांसारखेच वागतात, या लोकांनी लिंचिंगचे सामान्यीकरण करून टाकलेलं आहे असं देखील त्यांनी म्हटलं आहे. आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है. जुनैद को हाफिज, 14 साल हाफिज मोहम्मद जुनैद को चलती ट्रेन में एक भीड़ 31 बार चाकू मारकर कत्ल कर देती है, कोई रोकने नहीं आता है. 14 साल के बच्चे को वो लोग हमारे और आपके बीच में से आते हैं. मैं सोचता हूं कि जो लोग लिंचिंग करते हैं, जो लोग कत्ल और तशद्दुद कर रहे हैं, ये कत्ल करने के बाद जब अपने घर जाते हैं तो क्या करते होंगे अपने साथ? कोई नए तरीके से हाथ धुलते होंगे, कुछ दवा मिलाकर नहाते होंगे. क्या करते हैं ये लोग कि वापस आकर हमारे बीच में हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, फिल्में भी देखने जाते हैं, फिर अगले दिन फिर किसी को पकड़ते हैं, फिर कत्ल करते हैं, फिर नॉर्मल लाइफ जीते हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं घर में, बाप का पैर भी छू रहे हैं, मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर बाहर आकर यही करते हैं. इसको इस तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया है, इस तरीके से आम बना दिया है कि लिंचिंग हो रही है कोई बात नहीं.